17 सेकंड का एक ऐसा तरीका है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ा देती है, अभी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। और आप दिमाग की इसी शक्ति से आप अपनी जिस चाहें उस सपने को सच कर सकते हो। अगर आप बहुत यंग हो, मतलब आपकी उम्र 27 से कम है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके हाथ क्या लगने वाला है। आप शुक्रगुजार होंगे कि आपको इस बात का पता इतने कम उम्र में लग गई, और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एकदम लास्ट तक। और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि यार ये क्या बता दिया तूने, यार तुमने तो खजाने की चाबी ही हमारे सामने रख दिया। इस तरीके को द 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का पार्ट है। वो सिद्धांत जो ये कहता है कि आप अपने सोच की शक्ति से अपनी जिंदगी जैसी चाहें वैसी कर सकते हो। ये टेक्निक ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को या फिर किसी इंसान को या फिर किसी परिस्थिति को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मतलब उसे आकर्षित करना चाहते हो, तब आप अगर 17 सेकंड तक लगातार एकदम फोकस के साथ उस एक चीज पर अपनी सोच की ऊर्जा को केंद्रित कर दो, तब 17 सेकंड बाद वो सोच कंबर्शन पॉइंट पर आ जाती है, मतलब उस सोच में आग जितनी ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सूरज की प्रकाश को केंद्रित करोगे तो कुछ सेकंड बाद वो जलने लगती है, और यही केंद्रित ऊर्जा जब ठीक 17 सेकंड बाद टॉप पॉइंट पे होती है, तब आपका अवचेतन मन लगभग 100 गुना ज्यादा पावर से काम करता है, और इसलिए सिर्फ 17 सेकंड में ही वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। अभी इस वक्त आप अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जो अनुभव कर रहे हो, उसके क्रिएटर यानी उसके रचयिता आप ही हो, और इसलिए आप अपनी जिंदगी को जैसी चाहें वैसी बना सकते हो। आपकी जिंदगी में अभी जो भी हो रहा है वो उसी सोच का नतीजा है जो आप हमेशा सोचते हो। अपनी दुनिया आप ही बनाते हो। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, मैंने भी इसके ऊपर कई किताबों और साइंटिफिक रिसर्चेस यानी अनुसंधानों को पढ़ा है। ये 17 सेकंड वाली जो टेक्निक है ये अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहम हिक्स ने बताया है, और ये तरीका किसी खजाने की चाबी से कम नहीं। और जो लोग मुझसे प्रूफ यानी सबूत मांग रहे हो इस सिद्धांत का कि जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है, वो इतिहास के सबसे जाने माने महापुरुषों में से एक बुद्ध की बातों को सुनो। गौतम बुद्ध एक इनलाइटेंड महापुरुष थे, मतलब उनको इस पूरी ब्रह्मांड का हर एक राज पता था। मुझे ये नहीं पता कि कई लोगों को ये बात गलत क्यों लगती है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से कुछ भी पा सकते हो अपनी जिंदगी में। मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, आपकी धड़कन कौन चला रहा है? आप कहोगे कि आपकी बॉडी में सिस्टम बनी हुई है जिसके चलते आपकी धड़कन अपने आप चल रही है, पर उस सिस्टम को चलाने के लिए भी एक दिमाग चाहिए ना, जो सेकंड सेकंड पर आपकी धड़कन को चला रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपका दिल कभी एक सेकंड में 3 बार धड़कता है और कभी एक सेकंड में 1 बार, वो एक ही रेट से धड़कता है। इसका मतलब आपके दिल को कंट्रोल करने वाला कोई तो है, और वो कोई और नहीं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन है। अब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दिल धड़का सकता है और वो आपको जिंदा रख सकता है, तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो कर सकता है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स एंड मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब आप जो भी हो अपनी जिंदगी में वो उसका परिणाम है जो आप सोचते हो। आपकी जिंदगी आपके विचारों और सोच पे आधारित होता है, और सिर्फ आधारित ही नहीं होता है, आपकी जिंदगी आपकी सोच की ही बनी होती है। बुद्ध ने ये भी कहा था, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट मिसफॉर्च्यून्स कम फ्रॉम ईस्ट और फ्रॉम द वेस्ट, दे ओरिजिनेट विद इन वन्स ओन माइंड। मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपके जिंदगी में इधर या उधर से आती है, वो आपके मन के भीतर ही उत्पन्न होती है। He is able who thinks he is able. ये भी एक बहुत फेमस बात है जो गौतम बुद्ध ने बोली है। अगर आप सोच सकते हो कि आप सक्षम हो तो आप सक्षम हो। मतलब अगर आप सोचोगे कि आप किसी काम को कर सकते हो, चाहे वो आपको कितना भी मुश्किल लगे, आप वो काम कर ही लोगे। What we are today comes from our thoughts of yesterday and our present thoughts build our life of tomorrow. Our life is the creation of our own mind. लास्ट लाइन पे आप गौर कर रहे हो, लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। इस बात की गहराई को देखो, आपकी जिंदगी आपका मन और दिमाग की ही रचना है। यहाँ पर सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो जो भी चीज आप सोच सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, वो असल में वर्तमान में इसी वक्त एग्जिस्ट कर रही है, पर आपका सोच ये तय करता है कि वो इंसान या वो चीज आपके साथ है कि नहीं।
तो जब वर्तमान में उस चीज के बारे में आप सोचते हो तो वो आपके करीब आने लगता है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को सच नहीं मानते, पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं कि हाँ ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर सकता हूँ, देखो मुझ में कितना दम है ये। अरे ये चीप स्टंट बंद करो भाई, गौतम बुद्ध की बातों को चैलेंज मत करो। एक इनलाइटेंड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो हर जगह काम करती है और हर बार काम करती है। आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हैं। 90% लोगों में तो ये आसानी से काम करने लगता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कितना भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच लें, उनकी जिंदगी में नेगेटिव ही होता है। ये इसलिए क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट सही तरीका ही नहीं पता। ये आपके लिए 100% काम करेगा अगर आपको सही टेक्निक यानी सही तरीका पता हो। सोचना यानी विजुअलाइज करना भी एक कला होता है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि किसी चीज को सोचना, तो आपको लगता होगा कि हाँ बैठ के सोचो, पर यार बात ये है ना कि आपका दिमाग काफी चंचल है, और आप उसे एक चीज सोचने भी बोलोगे ना तो हजार इधर उधर की बातें आने लगेगी। तो उसी को आपको रोकना है। लगातार 17 सेकंड तक आपको एकदम उसी चीज या इंसान पे फोकस करना है, उसी पे ध्यान लगाना है। तो इस 17 सेकंड की जो ट्रिक है वो ये कहती है कि आपको एक ही चीज पे लगातार फोकस करना होगा, मतलब दिमाग की सारी चीजों को क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। सबसे जरूरी पार्ट यही है, तभी आप कम्बशन पॉइंट में पहुंचोगे, यानी उस पॉइंट पे जब आपके अवचेतन मन में असीमित शक्तियां आने लगती है, और वो शक्ति अभी जो आपके अवचेतन मन की शक्ति है उसे 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। 17 सेकंड तक फोकस करने में आप कामयाब रह गए तब तो ये बेस्ट बात है, पर अगर आप इसके भी ऊपर जाना चाहते हो और अपनी अवचेतन मन की शक्ति और बढ़ाना चाहते हो, तब 17 सेकंड खत्म होने के बाद और 17 सेकंड सोचो, मतलब कि 17 × 2 34 सेकंड। 34वें सेकंड के अंत में आपके सोच के किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की एक दूसरी स्तर पर चली जाती है, मतलब आपका अवचेतन मन और भी शक्तिशाली हो जाता है। 34वें सेकंड के आगे आप और 17 सेकंड सोचोगे, मतलब 34 + 17 मतलब 51 सेकंड, तब आप तीसरे स्तर पर चले जाते हो, मतलब इस स्टेज में आप उसे लिटरली अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हो। और 51 सेकंड से लेकर और 17 सेकंड मतलब कि 68 सेकंड ये लास्ट स्टेज है, ये अल्टीमेट स्टेज है इस 17 सेकंड के तरीके की। उस पॉइंट में आप ये खुद फील कर सकोगे यानी खुद महसूस कर सकोगे कि वो चीज या वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। आपको एक अलग सी ही ऊर्जा महसूस होगी, आपकी अंतरात्मा ही कहने लगेगी कि अब आपने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। पर जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे 68 सेकंड्स की सेशन में आपको इधर उधर की बातें एकदम नहीं सोचना। ज्यादातर लोग 17 सेकंड तक भी फोकस नहीं कर पाते, पर विश्वास करो अगर आपने ये कर लिया ना तब ये आपकी जिंदगी बदल देगा। प्रैक्टिस यानी अभ्यास से सब संभव है। डेली आप प्रैक्टिस करो और देखना आप आराम से किसी भी चीज पे 17 × 4 यानी 68 सेकंड तक फोकस कर पाओगे। आप पाओगे कि आपकी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो दोस्त, क्या आप इस 17 सेकंड के तरीके को ट्राई करना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को जरूर